बुधवार में दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी मुस्तफा डोसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत। चुनाव आयोग की नई मुहिम, फेसबुक के जरिए करेगा मतदाताओं का पंजीयन। 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य, सरकार ने जारी की अधिसूचना। संयुक्त विपक्ष की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीरव कुमार ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए उम्मीदवार गोविंद ने दाखिल किया 4वां सेट। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कांग्रेस पर कटाक्ष, आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विचारधारा की बात कर रहे हैं। इसराइल यात्रा से पहले मीडिया में छाए नरेंद्र मोदी, इसराइल ने बताया दुनिया का सबसे अहम प्रधानमंत्री। गोरखा आंदोलन जारी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यालय में आग लगाई। शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, जम्मू से पहला जत्था रवाना। आरटीआई में बड़ा खुलासा, सिर्फ टिकट रद्द करने में ही रेलवे ने कमाए 14 अरब रुपए। गोरखपुर में गोमांस बिक्री की आशंका में छापे के दौरान पुलिस पर पथराव, एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सीवान जिले में कारोबारी की हत्या के बाद हिंसा, वाहन जलाए। लसित मलिंगा ने श्रीलंका के खेल मंत्री को कहा बंदर लगा, साल भर का निलंबित प्रतिबंध, मैच फीस का 50% जुर्माना भी भरना होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कुंबले और कोहली मुद्दे को ठीक से संभाला नहीं गया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।